सभी साथियों का हिंदी सत्र में स्वागत है। आज हिंदी सत्र में हम रचना श्रीवास्तव दीदी और बात रीडिंग को सुनेंगे। तो रचना दीदी नमस्ते, कि जी नमस्ते भैया मैं आपका परिचय रखता हूँ फिर आप शुरू करें। तो जी। रचना दीदी उच्च माध्यमिक शिक्षक है, मध्य प्रदेश दामोह से शासकीय सीएम राइस विद्यालय में दीदी शिक्षक के पद पर कार्यरत है। दीदी ने उनका फर्स्ट 8 डेज का जो वर्कशॉप है वो अप्रैल 2023 में किया था, और मध्य प्रदेश में जो UHV अभी स्कूल एजुकेशन का जो पार्ट बन चुका है उसमें दीदी 9वीं और 10वीं की कक्षाओं में UHV कंटेंट को स्टूडेंट के साथ में शेयर कर रही है। तो दीदी आपका स्वागत है। और धन्यवाद भैया। सभी को नमस्कार। जैसा कि भैया ने बताया, मैं सीएम राइज स्कूल में वाणिज्य पद पर व्याख्याता हूँ। मैंने FD वर्कशॉप अप्रैल 2023 में भोपाल में की थी और उसके बाद 8th बैच से मॉर्निंग सेशन से जुड़ी हुई हूँ। तब से लगातार अपने पे कार्य कर रही हूँ और कुछ थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट जो मैंने देखा और जो मेरी शेयरिंग है वो मैं रख रही हूँ। तो जब शुरू में वर्कशॉप की, उसके बाद लगा इस कंटेंट को समझने के बाद में कि बहुत ही अच्छा कंटेंट है और मुझे सब समझ में आ गया है। तो शुरू शुरू की जो अनुभव था वो इस तरीके का, और जैसे जैसे फिर मैंने कक्षाएं लेनी प्रारंभ की, और फ्राइडे को हमारी मीटिंग होती थी और उसमें हमको मतलब समझाया जाता था कि किस तरह से क्लास में आपको जाना है। पर जब मैं बच्चों के बीच में गई और मैंने कक्षाएं लेनी प्रारंभ करी और खुद को भी देखना शुरू किया, तो फिर लगने लगा कि ये मतलब इतना सरल तो नहीं है जैसा शुरू में दिख रहा था। क्योंकि बातें समझ में आ जाना और उनको मान लेना ये एक पहलू होता है, पर फिर जब उनको जानने के साथ अपने व्यवहार में उतारना है तो वो एक अलग प्रोसेस है। पिछले तीन तीसरा बैच है ये मेरा, और उस 3 बैच के बाद में जो मैंने अनुभव किया वो पिछले 2 अनुभव से काफी अलग ही हो रहा था। तो जो 8th बैच ज्वाइन करने के बाद में विषय पर पकड़ बनने लगी थी मेरी, और खुद के कार्य में भी व्यवहार में और कार्य में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन भी दिखने लगा था। मैं अपने भाव और जो भी अभ्यास 1 और 2 के स्टेप्स थे उनको अपने में देखने लगी थी। अगर एक व्यवस्थित रूप से बात करें तो अभ्यास 1 में स्वयं के द्वारा स्वयं को देखना, इस संदर्भ में मैं बोलूंगी कि जब ये अभ्यास 1 प्रारंभ किया तो शुरू में तो अपनी कल्पनाशीलता या इच्छा विचार को देखने में कठिनाई होती थी, पर फिर मॉर्निंग सेशन सुनते सुनते और इसमें भी बताया गया जो एक प्रक्रिया थी कि पहले अपने भाव को चेक करने लगी। तो बहुत बार स्थिति जब बनती थी और अगर अंदर हमको असहजता या अंतर्विरोध लगता था तो मैं भाव को चेक करना शुरू करती थी और तब भाव पकड़ में आ जाता था कि मुझे वो मैं उनके लिए क्रिटिस मतलब क्यों विरोध में आ रही हूँ, और उसके पीछे चलने वाले जितने विचार हैं वो सारे सामने दिखने लगते थे। उन विचारों को देखते हुए जब मैं मूल्यांकन करती थी कि ये विचार, ये जो भाव चल रहा है ये मुझे सहज स्वीकार है या नहीं है, अगर नहीं है तो फिर उसको बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो ऐसा करते करते और इसी स्टेप्स में जब आगे बढ़ रहे थे कि ये जो भाव उत्पन्न हो रहा है ये उन परिस्थितियों के कारण हो रहा है या मैं निर्णय ले रही हूँ, तो समझ में आ रहा था कि मेरे हाथ में है, मतलब मैं इनको बदल सकती हूँ। जैसे एक एग्जाम्पल देखें तो अगर मेरी किसी कलीग के साथ विरोध होता है, यदि मेरी कोई साथ में कार्य करने वाली है, तो मैं तुरंत रिएक्शन के मूड में आ जाती थी, मतलब जवाब दे सकती हूँ, गुस्सा कर सकती हूँ। पर अगर यही परिस्थिति प्रिंसिपल सर के साथ बनती है तो वहां मैं अपने आप को कंट्रोल करके रखती हूँ। तो समझ में आया कि अपने निर्णय को बदलने की शक्ति है, लेकिन वो परिस्थितियों के अनुसार है कि यदि मैं जवाब नहीं दे सकने की स्थिति में हूँ तो मैं अपने को रोक लेती थी, और अगर हूँ जवाब देने की स्थिति में या सामने वाला मुझे लगता है कि उतना पावरफुल नहीं है तो मैं गलत तरीके से रिएक्ट करती थी। तो ये जब धीरे धीरे ऑब्जर्वेशन शुरू हुआ दिन प्रतिदिन, तो समझ में आया कि अगर अपने भाव को मैं ध्यान रखूं और उस भाव को जैसे ही विरोध की स्थिति में वो दिखता है मुझे, उसका मैं थोड़ा सा चिंतन करके और मूल्यांकन करके परिवर्तन करूं, तो मैं वापस अपनी सहज स्थिति में और अपनी संगीत और व्यवस्था में आ पाती हूँ।
तो अगर इस तरीके से देखें तो स्वयं के द्वारा स्वयं को देखना में पूरे स्टेप धीरे धीरे आपको आपके ही अंदर एक सजगता ला देते हैं कि पूरे समय आपके साथ में जैसे एक मॉनिटरिंग करने वाली कंडीशन होती है कि यदि आप अपने आप को सजग होके देखते रहें तो बहुत सारी बातें, मतलब पूरे दिन भर में बहुत सारी ऐसी बातें होती थी जहां पे कि रिएक्शन की कंडीशन बनती थी और अच्छा तुरंत ही मतलब एक क्लिक होता है कि नहीं एक बार चेक करो कि क्यों बेचैनी हो रही है या विरोध लग रहा है, और फिर मैं उसको 2-5 मतलब कुछ देर ही लेके और फिर उसको हल तो करना रहता है जो भी सामने परिस्थिति, पर उसका एक दूसरे तरीके से हल निकलने लगता है, एक बातचीत का लहजा बदल जाता है और एक आराम की स्थिति में सामने वाले से बात करके या उस परिस्थिति को देख के फेस करके और हम जो विरोध और अव्यवस्था है उससे बच जाते हैं। पर ऐसा पूरी तरह दिन भर में होने लगा है ये तो नहीं कह सकती हूँ मैं, पर फिर भी बहुत बार ऐसा होता है कि अब ये जो अभ्यास एक है इस पर मेरी थोड़ी पकड़ मजबूत होती जा रही है। अभ्यास 2 में मैं स्वयं के द्वारा चैतन्य और शरीर को देखना, इसमें जब मैं देख रही हूँ तो इसमें शरीर और चैतन्य 2 अलग इकाई हैं। ये मतलब बहुत समय से जब मैंने अपना ये वो स्टार्ट किया था अपनी इस यात्रा को तो उसमें ये बातें बहुत समय से सुनते थे, लेकिन इसको ऐसे फील होना और एकदम सही तरीके से समझ में आना ये नहीं हो पा रहा था। पर ये अभ्यास 2 के जो कंटेंट है या अभ्यास 2 को करने से ये जो 2 अलग अलग वास्तविकताएं हैं अब वर्तमान में मैं इनको बहुत देखने मतलब बहुत अच्छी तरीके से देख पाती हूँ। बहुत जल्दी समझ में आता है कि ये शरीर और इसकी ये क्रियाएं और मैं चैतन्य और उसकी क्रियाएं ये दोनों के सह अस्तित्व से मैं पूरी की पूरी हूँ, पर इन दोनों की जो वास्तविकताएं हैं वो बहुत दोनों की अलग अलग हैं और दोनों की जरूरतें और कहना चाहिए कि इसमें जो एक डिफरेंस दिखना चाहिए था क्योंकि हमारी बहुत सारी समस्याएं या बहुत सारी बातें या मान्यताएं जो है वो शरीर के साथ ही जुड़ी हुई हैं, और जब वो शरीर के साथ जुड़ी हैं और ये जब हम मैं के ऊपर प्रभाव डालती हैं तो फिर बहुत सारी जो अव्यवस्था है वो प्रारंभ होती है, जैसे कि अपने आप का अच्छा दिखना या किसी पार्टी में जाना है तो क्या ड्रेस पहनेंगे, कैसे लगेंगे, बाकी लोगों के कंपैरिजन में क्या होगा, ये एक चलता रहता है बहुत लंबे समय तक जब तक कि आप उस पार्टी में होके आ नहीं जाओ, आपका आप सेटिस्फाइड नहीं हो जाओ। और होता यह है कि कोई भी चीज का एक एंड पॉइंट नहीं है, मतलब आप अच्छे लगोगे या आपको सब अप्रिशिएट करेंगे फिर आप उससे सेटिस्फाइड होते मतलब उससे प्रभावित होते हो, तो ये सारी चीजें तब ज्यादा क्लियर हुई जब ये अभ्यास 2 में जो होने वाले स्टेप्स हैं इनको देखा, तो शरीर और चैतन्य को एक अलग वास्तविकता के रूप में मैं देख पा रही थी। दोनों के बीच में सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, ये सूचनाएं जो है ये निरंतर मेरे निर्णय के अनुसार होती हैं, मतलब वही जैसे कि यदि मेरे को तकलीफ है और अभी कोई और काम नहीं है तो उस पे लगातार मैं ध्यान देके और उसको बढ़ा पाती हूँ, पर यदि काम है तो फिर मैं उसको इग्नोर कर देती हूँ। ये इस तरीके से भी देखा मैंने कि अभी घर में कुछ परिस्थितियां मुश्किल परिस्थितियां थी तो उस वक्त में मुझे कुछ भी फिजिकली प्रॉब्लम दिख नहीं रहा था, जो भी मेरे को थोड़ा बहुत होता है वो ऐसा मुझे कुछ हिट नहीं कर रहा था और आराम से थी, लेकिन जैसे थोड़ा सा फ्री हुई मैं इन सब बाहरी चीजों से बाहरी जिम्मेदारियों से तो फिर मेरे को लगने लगा कि मतलब चक्कर भी आ रहा है, सिर भी दुख रहा है और ऐसे बहुत सारी चीजें कि मतलब मुझे ये भी स्थिति बनी कि फिर फाइनली डॉक्टर को दिखाना पड़ा और जो भी प्रॉब्लम थी उसको देखना पड़ा। तो ये मैंने चेक किया कि पिछले कुछ समय से जब परेशानियां थी और मेरे पे जिम्मेदारियां थी वो सारी बातें नहीं मुझे दिख रही थी, तो संकेत देना या संवेदना को लेकर और उसको पहचाना और उसके बाद उस पे रिएक्ट करना ये भी मैं देख रही हूँ कि मैं निर्णय पूर्वक लेती हूँ जब मेरी सुविधा होती है, मतलब अगर मेरे को लग रहा है कि अभी बीमार पड़ना कंफर्टेबल नहीं है या नहीं अफोर्डेबल नहीं है तो फिर मैं उसको महसूस भी नहीं करती हूँ और बॉडी भी वैसा कुछ रिएक्ट नहीं करती है, पर जैसे ही वो मेरे को मैंने खुद में निर्णय लिया कि अभी अब कोई काम नहीं है कोई की जिम्मेदारी नहीं है तो मेरे शरीर से मैं अपने आप को
मुझे मतलब सारी चीजें दिखने लगी कि ये भी गड़बड़ हो रहा है और ऐसा भी हो रहा है। तो इस तरीके से मुझे लगा कि ये जो मैं और शरीर के बीच की संकेत है, इन पर मेरा निर्णय पर मेरा एक मैं निर्णय ले सकती हूँ, और लेकिन वो तभी ले सक लेती हूँ जब मुझे उनको इम्पोर्टेंस देना होता है। तो ये अगर देखें तो संवेदना को मैं पढ़ती हूँ निर्णय पूर्वक। अगर उस वक्त मैं कंफर्टेबल हूँ तो मैं उसको ले लेती हूँ, फिर उसके अनुसार मैं रिएक्ट भी करती हूँ और मेरे बॉडी में वो चेंजेस भी दिखते हैं। पर अगर मैं नहीं करती हूँ कि मेरे को ये संवेदना नहीं पढ़ना है, तो मैं उसको पास आउट कर जाती हूँ और फिर मुझे ऐसा कुछ भी नहीं होता है जिससे कि लगे कि मैं प्रभावित हुई हूँ। तो इस पूरे जो अभ्यास 2 के स्टेप 6 तक आते हैं, तो यहाँ तक तो मेरे को दिखने लगा है कि मैं अपने पे काम कर पा रही हूँ। हालांकि ये काम बहुत रेगुलर नहीं हो रहा है, क्योंकि सजगता जो है वो पूरे समय शरीर और मैं के प्रति नहीं बनी रहती है। भाव वाली सजगता तो मैं देख रही हूँ कि मैं अपनी कर पाती हूँ लगभग लगभग पूरे दिन, पर जो शरीर और मैं की सजगता है, वास्तविकता को अलग अलग समझना, ये कुछ थोड़ा सा बीच में छूट जाती है। इसी में जो एक और पॉइंट था कि दृष्टा कर्ता और भोक्ता की स्थिति जो है वो भी हमारे ही द्वारा होती है। हम पहले किसी चीज को देखते हैं, उससे एक कोई संवेदना ग्रहण करते हैं, उस संवेदना से जो मान्यताएं जुड़ी हुई है उसके अनुसार हम रिएक्ट करते हैं जो हमारे कार्य व्यवहार में आता है, और फिर जो भाव उत्पन्न होता है या जो भाव हमारे अंदर आता है वो हमारे वो उसको हम भोगते हैं। तो ये मैंने अभी 2-3 घटनाएं ऐसी हुई जिसमें मुझे समझ में आया, वो नेगेटिव थी कि मतलब मैंने कोई चीज देखी या किसी व्यक्ति से मिली और उसके बाद में मैंने उनसे एक संवेदना ली। समझ में आ रहा था कि ये नेगेटिव है और मेरे को अपनी चेकिंग करनी चाहिए, अपनी मान्यता बदल के और एक सही समझ से उस बात को लेना चाहिए। पर वो उस वक्त ऐसा कुछ हो रहा था कि मतलब मेरी मान्यता इतनी स्ट्रांग थी कि मतलब समझने के बावजूद भी मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। मैं उनके प्रति क्रिटिसाइज और विरोध के भाव में रही आई, वैसा ही मैंने रिएक्ट किया और पूरा सारा जो एनवायरनमेंट था वो गड़बड़ हुआ। मुझे दुख और अव्यवस्था भी फील हुए, और उस वक्त में मतलब घटना तो वो नेगेटिव हो रही है लेकिन मुझे ये दिख रहा था कि मैं अगर दृष्टा के तौर पे अपने आप को वहां ठीक करती, मान्यताओं को सही समझ पे डालती, तो शायद वो पूरा वो चेंज हो जाता। पर मैं उस तरीके से भी देखा मैंने कि अगर आप दृष्टा है और एक आप मान्यता को लेके कर्ता का कार्य करते हैं वहां पे, तो जो आप भोगेंगे या भोक्ता के रूप में आपको जो मिलेगा वो दुख है। तो इतना तो इससे कंफर्म होता है कि जैसे ही आपने कोई परिस्थिति या किसी व्यक्ति के साथ में किसी संवेदना या सूचना को अपने में डाला, तो उसको अगर वहीं चेक कर लिया जाए तो आगे जो कर्ता और भोक्ता वाली स्थिति है वो आपके कंट्रोल में रहेगी, पर अगर नहीं तो फिर वो आपको उसी तरीके से वो मिलेगा। तो जैसे कि इसमें ये बात समझ में आ रही है कि मेरे को खुश या सुखी रखने की जिम्मेदारी पूरी तरह मेरी है, सामने की परिस्थिति या कोई भी एनवायरनमेंट या कोई भी व्यक्ति इसमें केवल एक ट्रिगर का काम करता है। मतलब वो उसको देख के मैं कोई संकेत अपने आप को दे पाती हूँ और उसके बाद में एक पूरी चेंज चलती है। तो यदि वो वहां पे मैं काम कर पाऊँ हर समय हर क्षण, तो फिर मैं एक सुख की स्थिति या व्यवस्था की स्थिति में बनी रह सकती हूँ। तो पर ये कार्य अभी चल रहा है, जितना होना चाहिए मैं उतना नहीं सेटिस्फाइड हूँ अपने आप से, पर कोशिश कर रही हूँ और लगातार मैं इसको करती जा रही हूँ। मेरा शून्य में होना और उसके सह अस्तित्व में ये बहुत बहुत क्लियर नहीं है, और मुझे लग रहा है कि अभी शायद मैं अभ्यास 1 और 2 के इस स्टेप तक कंप्लीट होंगी, तब फिर वो एक थोड़ा दिखने लगेगा जब मेरा खुद पे अपने आप पे एक नियंत्रण या अपने निर्णय में लेने में पूरी तरह स्वतंत्र हो पाऊंगी, तो शायद तब मैं ये देख पाऊंगी। तो इस तरीके से ये सारे जो अभ्यास 1 और 2 है उससे मैं कंक्लूजन पे अभी इस बात पे पहुंची हूँ कि अपने भाव को देखूं और वो भाव जिस संस्कार से निश्चित हुए हैं मैंने किए हैं उन्हें देखूं,
और जब वो संस्कार की बात बीच में आ जाती है तो फिर आपको दिखने लगेगा कि वो संस्कार मान्यता से बने हैं या फिर आपके सही समझ से, और उनका परिमार्जन करूंगी तो फिर ये शायद प्रोसेस जो है वो बहुत बार अभी मैं फोर्सफुली करती हूँ तो वो शायद फिर सहज गति से अपने में होने लगेगी, ऐसा अभी मुझे लगता है। सुख स्वभाव है या प्रभाव, तो इसमें कहूंगी कि अब चूंकि प्रक्रिया मैं करने लगी हूं तो बहुत हद तक ये स्वभाव बन गया है। बहुत बार होता है कि स्थिति गड़बड़ होती है और मैं तुरंत देख लेती हूँ कि मैं मेरे सुख के लिए स्वयं जिम्मेदार हूँ और इसके लिए मैं क्या कार्यक्रम करूँ। कई बार थोड़ा मुश्किल होती है पर बहुत बार मैं उस कार्यक्रम को कर पाती हूँ और अपनी स्थिति को अपने सहजता में बनाए रख पाती हूँ। तो इस तरीके से यदि बोलें तो बहुत सी परिस्थितियां विचलित करती हैं पर वो ऐसा टेस्टिंग पॉइंट मेरे चल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अभी कोई एक परिस्थिति आई, अब उसके ऊपर आपने कैसे पूरे मतलब आपने कैसे प्रतिक्रिया देनी है या फिर आप उस पे अनुक्रिया देते हैं, ये आपका एक टेस्ट पेपर हो गया। तो दिन भर में मैं सारी बातों को जो भी मुझे विचलित करती हैं मैं इस तरीके से देखती हूँ और उनमें कुछ हद तक मैं सक्सेस भी होती हूँ अपने को सही समझ और उसमें बैठाने की। लेकिन फिर भी बहुत सारी मान्यताएं हैं जो अभी भी गहरे में जमी है और इनका अभी परिमार्जन कठिन लगता है। जैसे यही कि कोई घर में फंक्शन है या पार्टी है तो क्या पहनना है, कैसे घर को ठीक करना है, क्या बेस्ट से बेहतर से बेहतर बनाया जाए, ये सब चीजें अभी एकदम से नहीं गई हैं, मतलब चलती तो रहती है हाँ, पर इनसे जो होने वाली परेशानी और एकदम बेचैनी होती थी वो कुछ हद तक कम हुई है कि अपने को सही समझ में ढाल पाते हैं कि मान लीजिए आपने कुछ भी पहना तो वो कितना भी अच्छा और 100 लोगों से आपको या पूरे पार्टी से आपको अप्रिशिएशन नहीं मिलेगा। ये पॉइंट सब जो है वो दिमाग खुद को ही मतलब एक मैं जो है वो इस चीजों को क्लियर करता रहता है और उसके कारण मैं अपनी जो स्थिति है उसको मैं थोड़ा सहज पाती हूँ। पर अभी वो मान्यताएं गहरी हैं और उनको एक बदलना मतलब उनका परिमार्जन तो अभी बहुत जरूरी है, जो कि कोशिश तो जारी है पर वो कितना टाइम लगेगा ये मुझे समझ नहीं आता है। तो इसी में संदर्भ में कह लूं कि अनुकूल संवेदना जुटाने के लिए कुछ ना कुछ तो अभी भी मैं कर ही लेती हूँ और जब वो कर लेती हूँ और लगता है कि वो गड़बड़ किया तो फिर वो मुझे परेशान भी करता है, पर अब चूंकि संस्कार है तो थोड़ा तो दिक्कत मतलब थोड़ा तो वक्त लगेगा उसको बदलने में। जो 8th और 9th बैच था उसको तो मैं बहुत नियमित रूप से ज्वाइन कर पाई, पर पिछले मई में मेरी मम्मी का एक छोटा एक्सीडेंट हो गया था और वो बेड पे आ गई थी, तो वो मेरे पे डिपेंडेंट थी और करीब 1-2 महीने उनका काफी काम करना पड़ा मतलब उनकी देखभाल, और उसमें ये 10th बैच में बहुत रेगुलर नहीं ज्वाइन कर पाई तो थोड़ा सा ये समझ में और मतलब खुद को भी बहुत समय नहीं दे पा रही थी। तो इस सब में ये समझ में आया कि कोई चीज का अभ्यास अगर आप थोड़ा सा अभ्यास से दूर होते हुए छोड़ते हो तो वो फिर अपनी पुरानी स्थिति में जाने लगती हैं चीजें, और अभी मेरे साथ भी पिछले 2-3 महीनों में यही हुआ कि जो 8th और 9th बैच में अभ्यास का एक रेगुलरिटी थी और जितनी कॉन्फिडेंस में हो रही थी वो मेरा इस बार थोड़ा सा वो हो गया, मतलब मैं बार बार अलग अलग परिस्थितियों में बहुत सारी चीजें सही समझ के बावजूद भी या तो मैं उनको निर्णय पूर्वक ही छोड़ देती थी या फिर जो भी कह लीजिए, मतलब मैंने ये देखा कि जो जितनी अच्छी स्थिति मेरी पिछले 2 बैच के बाद में बनी थी इस बार वो थोड़ी सी गड़बड़ है। अच्छा, इस बार एक प्रॉब्लम और ये थी कि चूंकि अब मुझे सारा कुछ दिखने लगा है उस संदर्भ में मैं काफी सजग हो गई हूँ, तो फिर स्वयं की गलतियां या गड़बड़ियां जब दिखने लगती हैं और आपको ये भी पता होता है कि इनको आप ठीक भी कर सकते हो और आप ठीक नहीं कर रहे हो तो फिर वो एक अजीब सी निराशा होने लगती है मतलब खुद से कि ये को आप इस रास्ते पे चल तो रहे हो लेकिन जितना आपको एक बोलना चाहिए जितना डिवोशन देना चाहिए वो आप दे नहीं रहे हो, फिर रीजंस भी जो दे रहे हो वो आप एक तरीके से अंदर से ही लगता था कि ये सब बहाने आप बना रहे हो कि काम ज्यादा है या टाइमिंग नहीं निकाल पा रहे, तो वो पूरा जो हुआ इस 10th बैच के बाद में वो थोड़ा सा ऐसा हो गया कि बात बात तक आते आते मेरे को एक निराशा सी होने लगी कि अगर मैं टाइट अपने आप को नहीं वो करूंगी तो फिर ये पकड़ ढीली हो जाएगी या मतलब वो जो एक मैंने शुरू किया है बहुत उत्साह से वो कम होने लगा था, लेकिन फिर भी
मैं कहना चाहूंगी कि पहली शेयरिंग में और बीच में कई बार भी मैंने ये कहा और सोचा है कि पर्पस ऑफ लाइफ है ये, मतलब एक जो कंटेंट है उसको समझ के स्वयं में परिमार्जन, और साथ में अपने जो मेरे से बड़ी व्यवस्था है परिवार समाज, इनमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना। तो ये इसको तो मैं नहीं छोड़ने वाली, ये मैं करूंगी। अभी कुछ आसपास घटनाएं भी ऐसी हुई हैं, कुछ सामाजिक घटनाएं भी, और कुछ हमारे पास मतलब बहुत जानने वाले लोगों में एक हैं जिनके बच्चे ने शरीर छोड़ दिया, और 10th क्लास में था एक छोटे से कारण से, तो वो घटना भी बहुत विचलित कर गई। तब लगा कि बहुत सारी चीजें हैं जो सही समझ के अभाव में हो जा रही हैं और जिनका इम्पैक्ट बहुत दुखदाई है, बहुत खराब पड़ रहा है। तो इस कार्य को करना भी है अपने भी वेलबींग के लिए, और प्लस ये कि जो आसपास है जिनको मैं सहायता कर सकती हूँ उनके लिए भी। तो कोशिश करती हूँ कि मैं जिन भी व्यक्ति मतलब मेरे आसपास जो भी लोग हैं उनसे मैं बात करूँ इस संदर्भ में, जैसी भी प्रस्ताव बनते हैं वो उनके सामने रखती हूँ, और उनको कोशिश करती हूँ कि वो भी कुछ करें। पर पहले तो अभी मैं अपनी ही स्थिति में इस सत्र के मतलब इस पिछले 2-3 महीने में बहुत संतुष्ट नहीं थी, तो कोशिश कर रही हूँ। अभी यही बात है कि स्वयं के समझ के लिए समय लगाने वाली, तो ये मैंने 2 बैच में तो अच्छे से किया, अभी कुछ कम था, पर अब मैं वापस अपने लिए कम से कम 1 से 2 घंटा लगाने की कोशिश करूंगी। वॉलेंटरी के रूप में मैंने पिछले सत्र में कार्य किया था, पर इस बार नहीं हो पाया, बहुत कुछ मैं मतलब कॉलिंग में मैंने सहायता की थी, इस बार तो नहीं हुआ है। कोशिश अभी कुछ मुझे समझ भी नहीं आ रहा था, कुछ थोड़ा सा वही बताया कि घर में भी कुछ अव्यवस्थाएं थी तो जिसकी वजह से मैं समय नहीं दे पा रही थी, पर मैं अपना जितना मैक्सिमम टाइम अब मैं लगा पाऊं इसमें बिना बहाने बनाए मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करूं। इतना कह के मैं समाप्त करती हूँ अपनी शेयरिंग, धन्यवाद। अभी मैं शर्मिला दीदी को आमंत्रित करता हूँ कि दीदी दीदी के शेयरिंग के बारे में हमें गाइड करें। शर्मिला दीदी जी नमस्ते सभी को, नमस्ते रचना जी। जी, नमस्ते दीदी। बहुत अच्छा लगा, बहुत ईमानदारी से आपने अपनी शेयरिंग को रखा, निष्ठापूर्वक आप अपना काम कर रही हैं, अपने अंदर देखने का काम बहुत अच्छे से कर पा रही हैं, और बहुत ईमानदारी से आपने ये बात रखी कि पहले जब अपने अंदर देखते थे तो ऐसे लगता था सब समझ में आ गया। ये अक्सर सभी के साथ ऐसा होता है, और आप इस बात को देख पा रहे हैं और अपने अंदर और गहराई में जा पा रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और मुझे लगता है जैसे जैसे आप आगे भी अपने अंदर काम करते रहेंगे तो आपको उसकी उपलब्धता भी होगी। तो ये जो आपने बात कही कि पिछले 2-3 महीने में वो काम रुक गया, तो ये अच्छा है कि आप इसको देख पाए कि ये ना आप वो छूट रहा था, और ये भी देख पाए कि फिर हम प्रभाव में जीने लगते हैं जी क्योंकि वो काम बंद हो जाता है। तो यही है जो आपके लिए मतलब मैं कहूंगी करने का काम, कि जहां तक भी हो सके एक 20 मिनट आधा घंटा रोज निकालें जी और उस ना अपने अंदर बैठ के देखें। बाकी तो आप कर ही रहे हैं बहुत अच्छे से अपना काम, और जैसे जैसे आपको सहूलियत हो उसको लिखेंगे तो और भी क्लैरिटी बनेगी। लेकिन हाँ बहुत बढ़िया लगी आपकी शेयरिंग, आपको बहुत बहुत शुभकामना आगे के लिए भी। जी, धन्यवाद दीदी।